बक्सर में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब झंडा फहराने के दौरान करंट की चपेट में स्कूल के बच्चे आ गए, जिसमें एक बच्चे की मौत हो चुकी है जबकि चार बच्चे बुरी तरह से घायल हैं। जी आपको बता दें, बिहार के बक्सर में झंडा फहराने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि कई बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों को सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना की जानकारी देते हुए बच्चों के परिवार वालों ने बताया कि बच्चे स्कूल में झंडा फहराने के लिए पहुंचे हुए थे, तभी झंडे वाले पाइप में करंट आ गया जिसकी चपेट में स्कूली बच्चे आ गए। वहीं डॉक्टरों की माने तो हॉस्पिटल में आए इन बच्चों में से एक की मौत हो चुकी है जबकि अन्य बच्चों का इलाज किया जा रहा है। इस घटना के बाद जिले में हड़कंप मच चुका है। वहीं बच्चों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। स्थानीय प्रशासन के आला अफसर मौके पर पहुंच गए हैं और बच्चों के समुचित इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा पूरे मामलों की जांच की जा रही है, आखिर पाइप में करंट कैसे आया। जी हां, गौरतलब है कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के सभी स्कूलों पर झंडा रोहण का आयोजन किया गया। बच्चे तिरंगा फहराने के लिए स्कूल पहुंचे थे। झंडा रोहण से पहले बच्चों ने जब झंडे वाला पाइप छुआ तो उन्हें झटका लगा। इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। इस हादसे की खबर पाकर पूर्व मंत्री संतोष निराला और कांग्रेस विधायक विश्वनाथ राम सदर अस्पताल पहुंच गए और बच्चों के परिजनों से हालचाल लिया। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष निराला ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है। फिलहाल हादसे में घायल हुए बच्चों की स्थिति सामान्य है। कांग्रेस विधायक विश्वनाथ राम ने कहा है कि यह मामला बिजली विभाग की घोर लापरवाही का है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।